राम राम दोस्तों। देखिए आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ जो हमारा सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा बर्तन है हमारा मिट्टी का। आज मैं आप वो बना के दिखाती हूँ जो दो इंसान के बिना ये नहीं बनता, अकेला इसको पूर्ति नहीं कर पाएगा। और ये हमारा सबसे बड़ा बर्तन है, ध्यान से देखना कि सबसे बड़ा बर्तन मैं कौन सा बनाऊँगी। देखा दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा बर्तन है, ये है दिया। ये दो इंसान के बिना नहीं बन सकता, इसकी गाड़ी भी अकेला जना पूर्ति नहीं कर सकता। ये दो के बिना बना नहीं, बिल्कुल नहीं बना है। ये सबसे बड़ा बर्तन है, कुम्हारों का सबसे बड़ा बर्तन यही है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ मिट्टी का गिलास। देखिए दोस्तों, ये है मिट्टी का गिलास, डिजाइनदार डिजाइन का बनाया गिलास ही है ये। अब इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि सर्दियों में चाय पीने के लिए कूलर चाहिए और डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये मैंने थोड़ा फैंसी डिजाइन में बनाया है, ज़्यादातर चलता है सिंपल, और ये मैंने फैंसी बनाया है, बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। इसमें चाय पीने में भी बहुत टेस्टी लगती है, कहते गाँव में बोलते ना मज़ा आ गया एक तरीके से, बस चाय पी के कूलर में मज़ा। ये जो हंडिया पे साग की हंडिया और दूध की हंडिया के लिए ढकने को पाला चाहिए ना, वो बना के दिखाऊंगी आज मैं आपको। इनकी भी बहुत ज़्यादा सर्दियों में डिमांड आ जाती है क्योंकि अब सर्दियों में साग की हंडिया है जो उनकी बिक्रिया ज़्यादा बढ़ जाती है, और उन पे ढकने को पाली चाहिए। छोटे को पाली बोलते और बड़े को बोलते पाला, वो चाहिए। तो अब मैं उसकी हंडिया के लिए मतलब साग की हंडिया के लिए पाला बना रही।
दोस्तों ये पाला हमसे नाराज हो गया, ये देखिए ये हमसे नाराज हो गया, ये रूठ गया है हमसे। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगी, क्योंकि ये जो है ना चाक बहुत तेज चल रहा है, मैं फिर से दूसरा बनाती हूँ। ये देखिए अब ये बनकर तैयार है, और यहाँ से जो नीचे मिट्टी है ये थोड़ा जब सख्त हो जाएगी मिट्टी, तब इसको हम थोड़ा खुरच देंगे खुरचन से, और ये एकदम तैयार है। इसको मैं अब तो मैं बना के रख देती हूँ, इसको कल थोड़ा सख्त हो जाएगा ये, जब मैं इसको यहाँ से छोल कर ठीक कर दूँ।